नमस्कार और आदाब। सनीचर फरवरी के 5 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। कोविड का न्यूज हम आपको सबसे पहले दे दें। महीना यानी बारी खत्म हुआ है 74 फीरन सेफन तक 2 द के साथ, मतलब 74 लोगों का देहांत यानी बारी महीना में हो गया है कोविड 19 के वजह से। फरवरी महीना में अब तक कल 4 तारीख फरवरी तक सैफ से कि 11 लोगों का देहांत अब तक हो चुका है कोविड 19 से। ये ओमिक्रॉन वेरियंट अभी तक है सूरीनाम देश में, दुनिया भर में ये हलचल मचाए है। ग्लोब टीवी पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है। पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सूरीनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं ग्लोब टीवी पर। इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का हो, ग्लोब टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सूरीनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का। एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी ग्लोब टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारक नंबर है 0081 यानी 685 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 0685 89 08 19 तारक नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। ग्लोब टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए। और हम आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में खबर बाहर आई है कि कुछ और फारियांतन, कुछ नया फारियांतन आ गया है। ये ओमिक्रॉन फारियांत जो है ये मिल्ड फर्शेंसलन देते हैं, मतलब आप उतना ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये और जल्दबाजी में फैलता है, फॉर स्प्रेडिंग इज स्नेलर। वैसे जैसे आपको पता है और शायद आपको पता होगा कि मेरे सिर्फ और खुशों थे का अमर रामाधीन दूसरी मतवा पॉजिटिव टेस्ट हुए है। वह इस वक्त ठीक हो गया है और जनता से गुजारिश करते हैं कोविड के मात रेखलन जो है इस पर गौर करने के वास्ते। हम आपको बता दें, आपको पता भी है कि आप उनको 11 बजे रात से रहता है, ये अभी तक लागू है 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक। में इस तखफालन कहा गया है सबसे ज़्यादा बसमैतिंगन इलाका पारामारिबो शहर में खुद है, उसके बाद वानिका और फिर कोमबेन और सारामाका में सबसे ज़्यादा कोविड बसमैतिंगन रहता है। आप भी कोविड से बचिए और ये कोविड के प्रोटोकॉलन रेखल्स जो है, मोहाना रेखल्स जो है, इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए। एक कोरोना आउटब्रेक हुआ है लैरिंग नेखा आके पुलिसी सेल हाउस में, जहां पर कैदियों को रखा जाता है, वहां पर एक कोरोना आउटब्रेक हुआ है। और ये पता चला है कि कापे एस कॉर्प्स पुलिसी सूरीनाम का लैरिंग जो है, जो लोग नहीं बस में थे, इन लोगों को दम रख के सेल हाउस में अब रखे है। जो बस में था अरेस्तमतन है, वैसे इन लोगों को पहले कैंसर स्त्रात के कैद खाना में रखा गया था, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं होने के वजह से तो ऐसा लोग नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग पॉजिटिव नहीं थे उन लोगों को रखा गया है दम रख के कैद खाना में। ये पता चला है कि 13 अरेस्तमतन कैदियों जो है इन लोगों को दम रख शिफ्ट किया गया है, और बाकी के 11 बसमैता अरेस्तमतन जो है ये सब लैरिंग नेखा आके सेलन हाउस में इसोलासी में है। ये भी पता चला है कि 3 पुलिसी आमतनारन, 3 सिपाहियों ब्यूरो का, पुलिसी ब्यूरो लैरिंग नेखा आका, ये सब भी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। एक खुशी के बाद कोविड से जुड़े ये है कि कोविड के लड़ाई में न्यूमॉन सूरीनाम जो है ये सब एक डोनेशन दिए हैं अकादेमी सिकन हाउस पारामारिबो का। ज़रूरतमंद चीज़ों, जो लोग जो चीज़ों का बहुत से वहाँ पर ज़रूरी है कोविड के लड़ाई में, ये दान में दिया गया है, एक डोनेशन दिया गया है अकादेमी सिकन हाउस पारामारिबो को।
न्यूमॉन का डायरेक्टर जो है एक्सटर्नल रिलेशंस का शर्ली सोमा सुमतर कहते हैं कि ये सब ये सामान दिए हैं ये कोरोना के लड़ाई में मदद करने के वास्ते, क्योंकि सौरक्ष सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ये सामान जो है ये इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। कीमत है ये डोनासी का 492,107 US डॉलर। ये खुद माथापे जो है ये पेशतर डोनासीज दे चुके हैं, लेकिन इस साल के वास्ते ये पहला डोनासी है। इसमें मास्कर्स थे ब्रेलन और भी हंसकुनन। लिंडी ली लियाओ कीफा, लिंडी लियाओ कीफा जो मेडिस डायरेक्टर है अकादेमी सिकन हाउस का, काफ़ी शुक्र गुजार है और काफ़ी खुश है कि यह सामान जो है ये न्यू मॉन्सूरी नाम से ये डोनासी के तौर पर अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो को मिला है और ये मदद अस्पताल को मिला है, तो लोगों के लिए काम भी और आसान हो जाएगा कि लोग और हिफाजत के साथ अपना काम कर सके। फ़रवरी की पहली तारीख चीनीज़ न्यू ईयर चाइनीज़ लोगों के नया साल था और सूरीनाम देश में सरकार के ज़रिए कुछ साल पहले यह दिन एक नेशनल फेस्टिवल कहलाया गया है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस दिन पर कुछ लोगों को डेकोरेट किए हैं, इज्जत अफसाई किया गया है और यह है चाइनीज़ लोग जो मेहनत किए हैं देश और जनता के वास्ते, कुछ नेक काम लोग किए हैं और नाम कमाया है। ये साल जो है चाइनीज़ लोगों का 1 फरवरी को शुरुआत हुआ है, ये यार फंद तैखर है बाघ का साल है और हम आपको ये बता दें कि प्रेसिडेंट अपने भाषण के दौरान में कहे हैं कि ये चाइनीज़ लोग जो है ये सब भी एक अहम हिस्सा है सूरीनाम देश का, ये सब भी सरनामी के सूरीनाम देश का नागरिक है। 10 साल ये गुलामी के अफ्सकाफिंग से पहले, स्लाफरने के अफ्सकाफिंग से पहले ये चाइनीज़ लोग जो है सूरीनाम देश में आ चुके थे, तो ये सब भी हिस्सा है सूरीनाम देश का। इस नए साल जो चीनीज़ न्यू ईयर है इसको लोग भी कहते हैं लेंथ फेस्टिवल या लेंथ फेस, चाइनीज़ लोगों के लिए ये ख़ास अहम दिन है। तो आपको हम बता दें कि प्रेसिडेंट ये भी बताए हैं कि कोरोना के समय है और जश्न तो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग वैक्सीनेट किए हैं और बूस्टर वैक्सीन भी ले चुके हैं ये सब न्यू नॉर्मल में, मतलब एक माउंट कप के साथ हर वक्त जब आप बाहर जाते हैं आपको रहना है, ऐसी ज़िंदगी हमें गुजारना चाहिए। ये यार फंद तैखर के मौके पर चाइनीज़ लोग जो है ये सब कुछ फोर द्राहतन किए थे, प्रेसिडेंट से गुजारिश किए थे कुछ लोगों को डेकोरेट करने के लिए, तो 1 फरवरी को प्रेसिडेंट जो है 7 लोगों को डेकोरेट किए हैं। पुराना हॉफ प्रेसिडेंट जॉन फॉन नीसावंत का देहांत 83 साल के उम्र में 25 जनवरी को हुआ है। ये हम आपको बता दें कि 3 फरवरी बीते हुए 20 फरवरी के 3 तारीख सरकारी सम्मान के साथ स्टार्स एयर के साथ अनेतस हॉफ पर इनके अंत्येष्टि क्रिया किया गया है, जो इनका अर्थवार्थ के मौके पर इनके अंत्येष्टि क्रिया के मौके पर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और वाइस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग बीते हुए बुध को कौंडिल्यांस रजिस्टर दस्तखत किए हैं। हॉफ के लोग कहते हैं कि फॉन नीसावंत जो है ये काफ़ी मदद किए हैं, काफ़ी काम किए हैं रख्त लकमाख्त के वास्ते, इनको ज़्यादा वेट्स कैनस था, कानून इत्यादि का इन्हें काफ़ी जानकारी था, ख़ासतौर पर सिफिल और स्तरफ रख का। ये बहुत ही साधारण आदमी था लेकिन जानकारी इनके पास काफ़ी था। अंतोन डी कॉम यूनिवर्सिटी फॉर सूरीनाम पर फकबर खलक प्रोसेस रख ये दो शेर किए अपने ज़िंदगी में। 2007 में ये प्रेसिडेंट हुए हैं हॉफ फॉन यूस्टिसी का, उससे पहले इस फ्रेंसी में वार नेवी में वो बैठा था। 2010 में फॉन नीसावंत जो है पेंशन से गए हैं, उसके बाद सालों तक वो प्लाट्स फॉर फंगंत लिट था। ये पुराना मजिस्ट्रेट जो है ये फोर्सेटर भी था रायो रात का और बहुत से रखदर्श ऑपलेरिंग को कायम करने को खड़ा करने में इनका हाथ था।
पिछले हफ्ता सनीचर को कैबिनेट फॉर द प्रेसिडेंट के आसपास पर एक गाड़ी में से गोली चलाया गया है। इस मामले में खोजबीन करने के बाद अब ये पता चला है, पेशर खबर में कहा गया था कि कैबिनेट फॉर द प्रेसिडेंट पर गोली चलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आसपास में गोली चलाया गया है और हवा में गोली चलाया गया है। खोजबीन से पता चला है कि दो गाड़ी आए हैं फोर्टसेलमदिया के आसपास। यहाँ पर एक गाड़ी में से गोली चलाया गया है। पहले दोनों गाड़ी के लोग एक दूसरे से बात किए हैं। एक गाड़ी वहाँ से चला गया है और एक गाड़ी जो वहाँ पर बचा था उसमें से गोली चलाया गया है। खोजबीन के बाद एक आदमी गिरफ्तार हुए थे या गिरफ्तार नहीं हुए थे, इनको लोग पुलिस थाने ले गए इनका बयान लेने के वास्ते। वो इसलिए क्योंकि कैंटेगन जिस गाड़ी से गोली चलाया गया था, इनके कैंटेगन का जो लोग जांच किए तो पता चला कि इनके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर था। पूछताछ पर यह आदमी बताए है कि यह गाड़ी अब इनका नहीं है, लगभग 2 साल हो चुके हैं। यह गाड़ी किसी ऑटो हंगला किसी ऑटो साहब को उन्होंने बेच चुके हैं। तो खोजबीन के बाद पता चला है, पुलिस को पता चला है कि यह आदमी सच बोल रहा है, यह गाड़ी अब इनका नहीं है। अभी तक खोजबीन हो रहा है, कोई गिरफ्तार आगे नहीं हुआ है। यह आदमी जिनको लोग बयान लेने के लिए पुलिस थाने ले गए थे, इनका बयान इनके फरहोर लेने के बाद इनको वापस घर भेज दिया गया है। जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, आप लोगों से हम बता दें कि सुरीनाम देश एक ओपन वेबसाइट खेले है एक ये द्रिहुक्स टूर्नोई में। एसवीबी का सुरीनाम से फुटबॉल बॉन्ड का नया बॉन्ड कोच स्टैनली मेंसो के निर्देशन में पहला वेस्ट्रेट बारबाडोस से सुरीनाम देश जीते हैं और दूसरा वेस्ट्रेट जो हुयाना के साथ खेला गया है, ये वेस्ट्रेट ये मुकदमा में ये वेस्ट्रेट जो फुटबॉल वेस्ट्रेट था इसमें सुरीनाम देश भी हुयाना से ये जीत हासिल किए है 2-1 से। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुरीनाम देश अपना शुरुआत नया बॉन्स कोच के साथ ये जीत के साथ किए है। बंक टॉपर्स और इनके साथियों जो है रॉबर्ट फंट्रिक एक्स बंक प्रेसिडेंट गवर्नर सेंट्रल बंक फंड सुरीनाम का, इनका साक बंक पार्टनर अश्विन अंगनू, एक्स एसपीएसबी का डायरेक्टर सुरीनाम से पोस्पार बंक का डायरेक्टर गिनमार्दो क्रोमोसुतो और फरनास हौसिल जो है ये डायरेक्टर भी सेंट्रल बंक फंड सुरीनाम का, इन लोगों के मुकदमा में फैसला सुनाया गया है इस हफ्ता में। और हम आपको बता दें कि इन लोगों का वकील सभी ने कहा है कि ये जो फैसला सुनाया गया है, फोनस जो सुनाया गया है, इसके खिलाफ लोग होखर बरूप में जाने वाले हैं, होखर बरूप लोग दस्तखत करेंगे। अलीबख्श हौसिल को 3 साल के कैद का सजा मिला है। रेक्टर मैत्री कुलदीप सिंह इनको एक बूटा भी दिए है 100,000 SRD का और 3 मांद हेक्टनेस। क्रोमोसुतो ये इनको भी कैद का सजा सुनाया गया है 5 साल का। ये एक्स डायरेक्टर है सुरीनाम से पोस्पार बैंक का, 5 साल के कैद का सजा सुनाया गया है और एक बूटा 150,000 SRD का या 12 मांद सब्सिडियर। अब आपको बता दें कि त्रिक को 8 साल के कैद का सजा सुनाया गया है मेट एन बूटाफान 500,000 सब्सिडियर ऑफ 16 मांद हेक्टनिस हफांगनिस्ट्राफ और अंगनू को 4 साल के कैद का सजा सुनाया गया है और इसके अलावा बूटा 150,000 SRD का और 12 मांद हेक्टनिस। यह बंक टॉपर्स जो है जो कहा गया है काफ़ी गोलमाल लोग किए है, काफ़ी बेकानूनी काम लोग किए हैं, इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। कई दिनों से ये सब कैद में था और अब फैसला सुनाया गया है। इन लोगों का वकील हम आपको बता चुके हैं, ये कहे हैं कि ये सब होखर बरूक में जाने वाले हैं क्योंकि ये सब इस फैसला से सहमत नहीं है। दो आन रेडिंग हुआ है हम आपको बता दें कि इस आन रेडिंग में 2 लोगों का देहांत हुआ है। अलग सा 2 आ रही है और दोनों में एक व्यक्ति का देहांत हुआ है।
बुध के रात को वाखदा सेवाग में एक हादसा हुआ है जिसमें 40 साल का जोरलन क्रोमोसती को का देहांत हो गया है। बुध को जब यह हादसा हुआ है, यह बुरी तरह से घायल हुए थे। इनको लोग ले गए हैं इंटेंसिव केयर अकादमी सिकन हाउस में और सुख के सुबह में इंटेंसिव केयर पर इनका देहांत हो गया है। क्रोमोसती को जो है मौत मौत और फिच पर थी, एक गाड़ी को इनहाल करने की कोशिश की है, एक पिकअप को वो इनहाल कर रहे थे। उस वक्त जब ये पिकअप एक रक्स बहुत लिए है, दोनों जाकर एक दूसरे से टकराए हैं और ये ब्रॉमफिक्सर जो है या मौत और फिक्सर जो है बुरी तरह से घायल हुए। इनको लोग हॉस्पिटल ले गए हैं और अफसोस के साथ कहना है कि सुख के सुबह में इसके इनके देहांत हो गई है। आगे में हम आपको बता दें कि एक बे रेडर एक मोटर गाड़ी का यूलियन स्वीतिमांग 24 साल फिर यार बीफे के रात को एक हादसा हुआ है मोहम्मद रशीद पीर खान वह में और यहाँ पर इनका देहांत वहीं पर हो गया है। इनके साथ दो बे रेडर्स थे। एम्बुलेंस के साथ इन लोगों को अकादेमी सिकन हाउस में भर्ती करना पड़ा। इन लोगों का इलाज वहाँ पर चल रहा है। जो स्वीटी मंग के गाड़ी का बस्तुदर था, ये अपने बयान में बताई है कि ये सब कोशिश किए है एक गाड़ी को इनहाल करने के वास्ते, लेकिन जिस गाड़ी को लोग इनहाल कर रहे थे अचानक उन्होंने स्पीड बढ़ाया है और तेज़ी से गाड़ी चलाया है, तो ये सब इनहाल नहीं कर पाए, जबकि दूसरी तरफ से एक तेज हल्लेहर आ रहा था। तो ये गाड़ी जिसमें स्वीटी मांग मौजूद था, इनका बस्तुदर जो है ये एक अर्थ वेक मान्यूवर किए है, ये बैरम पर गया है, लेकिन पता चला कि ये कंट्रोल खो दिया है स्टीयर का बस्तूरिंग का और ये गाड़ी जो जाकर वहाँ के नली में खोद में गिर गया है। तो इसके वजह से दोनों जो बे रेडर्स या बस्तुदर और एक बे रेडर जो है दोनों को हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए क्योंकि दोनों घायल हुए थे और स्वीटी मांग जो भी बे रेडर था इस गाड़ी का, ये इनके देहांत हो गए हैं वहीं पर। बारोमीटर फरकेश बारोमीटर जो है ये 7 पर आकर पहुंच गया है 2022 के वास्ते। 2020 में 7 लोगों का देहांत यातायात फरकेर में हो गया है। और इसके साथ आज के लिए यह प्रोग्राम खत्म होता है। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।